Yes, good morning students. So today we will understand implementation of inheritance. तो आज स्टूडेंट्स हम देखेंगे कि इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की होती है उसे हम कैसे इंप्लीमेंट C++ लैंग्वेज में कर सकते हैं। तो आवर टॉपिक इज इंप्लीमेंटिंग इनहेरिटेंस इन C++। तो सबसे पहले हमें सिंटेक्स समझना पड़ेगा और सिंटेक्स के बाद वी विल अंडरस्टैंड एग्जाम्पल, दैट इज रियल एग्जाम्पल। ऑन बेसिस ऑफ दैट यू विल अंडरस्टैंड इंप्लीमेंटिंग इनहेरिटेंस इन C++। तो लेट स्टार्ट। फॉर क्रिएटिंग ए सब क्लास विच इज इनहेरिटेड फ्रॉम द बेस क्लास, which is inherited from the base class. तो यहां पे हमें सब क्लास को क्रिएट करना है जो कि बेस क्लास से इनहेरिटेड होगा। तो इसको मैं विजुलाइज करके पहले आपको बता दूं कि हम क्या करना चाहते हैं। तो लेट वी हैव one base class and this base class should be inherited from the subclass should be inherited from the base class. It means I have to create first base class and then we have to create a subclass. So, upper one rectangle represent the base class. इसको हम क्या बोलेंगे? It is our base class. And below rectangle symbol represent your sub class. ठीक है? It is your sub class. Now in between there is a arrow. Now this arrow actually represent inheritance. So this base class actually extend to subclass, या फिर हम ऐसा बोलेंगे कि subclass is inherited from the base class. तो हमें दो क्लास बनाना है, पहला है बेस क्लास और दूसरा है सब क्लास। तो दो क्लास हम बनाएंगे और ये एरो को हम लोग इंटरफेस बोलेंगे कि किस तरीके से बेस क्लास सब क्लास से इंटरफेस होता है। तो इसके लिए हम कोडिंग करेंगे और उसे सिंटेक्स के द्वारा सबसे पहले हम समझने की कोशिश करते हैं। तो लेट स्टार्ट टू अंडरस्टैंड द सिंटेक्स। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको सिंटेक्स समझाने की कोशिश करूंगा और फिर हम, हो सकता है कि आने वाली क्लासेस में हम एग्जांपल देखेंगे। आज तो हम सिंटेक्स को समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, इन फ्रंट ऑफ यू देयर इज ए टू क्लासेस। तो फर्स्ट आई विल make a base class. तो मैं आपको सबसे पहले base class बनाना सिखा रहा हूँ और ये base class normally हमारी as usual जैसे हम अभी तक बना के आए हैं उसे हम base class बोलते हैं। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, this is the our base class. तो इसमें कोई भी new
टेक्नोलॉजी या न्यू कॉन्सेप्ट्स आपको नहीं मैं समझा रहा हूँ, क्योंकि ये हम ऑलरेडी करते अभी तक आए हैं, तो बेस क्लास में बना रहा हूँ। तो इन दिस बेस क्लास एज यूजुअल देयर इज ए वन क्लास कीवर्ड। तो यहाँ पे आप देख पाएंगे कि देयर इज ए वन क्लास कीवर्ड एंड देन वी हैव ए बेस क्लास नेम। तो जब भी हम क्लास बनाते हैं तो उसका एक आइडेंटिफायर हम नेम लिखते हैं, तो दिस नेम इज कॉल्ड एज ए बेस क्लास नेम। तो अब ये इनहेरिटेंस में हमारा पहला जो क्लास बनेगा वो क्या कहलाता है, बेस क्लास कहलाता है। तो मैं इसे एक जेनेरिक नेम दे रहा हूं, दैट इज द बेस क्लास नेम। ठीक है, अब इस क्लास को हमें बनाने के लिए ब्लॉक के अंदर सबसे पहले कर्ली ब्रैकेट, दैट इज द ओपनिंग ऑफ दिस क्लास, एंड क्लोजिंग ब्रैकेट रिप्रेजेंट द क्लोजिंग ऑफ दिस क्लास विद सेमीकोलन। तो ये एक सिंटेक्स है जो आपको भी पता है। नाउ इन दिस ओपन कर्ली ब्रैकेट एंड क्लोज कर्ली ब्रैकेट, तो वी हैव ए एक्चुअल बॉडी दैट इज नोन एज ए स्क्रिप्ट फॉर द क्रिएटिंग ए क्लास। तो यहाँ पे आपको क्या लिखना है, डेटा मेंबर एज वेल एज मेंबर फंक्शन। तो यहाँ पे दो चीजें आती हैं जो आपको भी पता है। तो इन दिस बेस क्लास एक्चुअली वी रिक्वायर्ड द डेटा मेंबर एंड व्हाट आवर मेंबर फंक्शन। तो मैं यहाँ पर डेटा मेंबर लिख देता हूँ एंड एज वेल एज आवर मेंबर फंक्शन। ठीक है, तो ये दो चीजें हमें यहाँ पे बेस क्लास में बनानी पड़ती है। तो लेट स्टार्ट टू अंडरस्टैंड द डिराइव क्लास। हम डिराइव क्लास अब बनाने वाले हैं। तो देखिए डिराइव क्लास कैसे बनाएंगे, तो वेरी फर्स्ट वी हैव टू रिप्रेजेंट अनदर क्लास बाय द रेक्टेंगल बॉक्स। तो देखिए मैं आपको रेक्टेंगल बॉक्स से एक और क्लास बनाना सिखा रहा हूँ। तो दिस क्लास इज एक्चुअली नोन एज ए डिराइव क्लास। इसको हम क्या बोलेंगे, डिराइव क्लास बोलते हैं। ठीक है, क्यों बोलेंगे डिराइव, क्योंकि ये बेस क्लास से एक्सटेंशन में आ रही है, ये डिराइव्ड हो रही है, इसलिए इसका नाम क्या होना चाहिए, डिराइव क्लास होना चाहिए। दिस इज टर्मिनोलॉजी, इसको टर्मिनोलॉजी में हम इसको बेस क्लास बोलेंगे, पहले वाले रेक्टेंगल को और बाद वाले रेक्टेंगल को क्या बोलेंगे, डिराइव क्लास बोलेंगे। ठीक है, तो अब ध्यान से देखिए, मैंने यहाँ पर डिराइव क्लास की डेफिनेशन बनाने वाला हूँ और इस डिराइव क्लास को हम देखिए, ध्यान से हम देखिए यहाँ पे आपको डिराइव क्लास बनाना सिखा रहे हैं। ठीक है, तो ये आपका डिराइव क्लास बन रहा है और इस डिराइव क्लास को बेस क्लास से ज्वाइन करना हमें इंटरफेस के कंसेप्ट को समझना पड़ता है। तो देखिए कैसे हम इंटरफेस को भी समझ रहे हैं, तो लेट आई हैव द इंटरफेस विद दिस एरो। तो मैं इस एरो को इंटरफेस बोलूंगा, क्योंकि ये एक एरो हमें बताता है कि बेस क्लास डिराइव क्लास से कैसे मैपिंग हो रही है। तो ध्यान से देखिए, अब हमें पहले तो एक डिराइव क्लास बनाना है। तो देखिए यहाँ पे मैं आपको वही चीज बता रहा हूँ जो कि हमने पहले भी बनाई थी, तो इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हमने क्लास डिराइव क्लास में क्या लिखा है, सबसे पहले एक कीवर्ड लिखा है, तो इस कीवर्ड का नाम क्या है, दैट इज द क्लास वर्ड, ए सॉरी क्लास, क्लास कीवर्ड है, जैसे कि ऊपर वाले बेस क्लास में क्लास है। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे हमने इस डिराइव क्लास का भी एक एब्रीवेशन रखा है, इसका नाम है डिराइव क्लास नेम। ठीक है, तो ऊपर भी देखिए क्लास था, बेस क्लास नेम था, अब डिराइव क्लास में भी क्लास है और डिराइव क्लास नेम है, तो बहुत ही सिमिलर कंसेप्ट है दोनों में। लेकिन जो ये डिराइव क्लास है वो बेस क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इस डिराइव क्लास आपका बेस क्लास को
एक्सटेंड कर रहा है। तो देखिए एक्सटेंशन कैसे करेंगे, तो एक्सटेंशन के लिए वी हैव टू अंडरस्टैंड द वन इम्पॉर्टेंट ऑपरेटर, दैट इज द योर कोलोन ऑपरेटर। तो ये कोलोन ऑपरेटर आपके डिराइव क्लास और बेस क्लास को इंटरफेस बनाने के काम आता है, ठीक है। अब इसके बाद हमें नेक्स्ट टर्म क्या लिखना है, दैट इज नोन एज ए एक्सेस मोड। तो ये हमें एक्सेस मोड सिखाता है कि हमारा जो इंटरफेस है वो किस पब्लिक किस विजिबिलिटी में हुआ है ना। तो ये एक्सेस मोड क्या होता है ये मैं आपको और बताऊंगा, क्योंकि ये एक्सेस मोड हमें बताता है कि हमारा बेस क्लास ये डिराइव क्लास से किस तरीके से अटैच है, और यही अटैचमेंट हमें क्लियर करता है कि बेस क्लास के डेटा मेंबर और मेंबर फंक्शन डिराइव क्लास में किस तरीके से एक्चुअली यूज होंगे। यूज मतलब जैसे हमें पता है कि ये हमारा जो बेस क्लास है उसमें अभी तक हम दो सेक्शन बनाते आए हैं, वन इज द पब्लिक सेक्शन, सेकेंड इज द प्राइवेट सेक्शन। तो बाय डिफॉल्ट इसमें प्राइवेट सेक्शन होता है, अगर हमने कोई भी कीवर्ड नहीं यूज किया है इस बॉडी में तो ये बाय डिफॉल्ट प्राइवेट होता है। तो नॉर्मली हम डेटा मेंबर को प्राइवेट सेक्शन में रखते हैं और मेंबर फंक्शन को पब्लिक सेक्शन में रखते हैं। तो यही एक्सेस मोड है। तो ये एक्सेस मोड आपको बताएगा, तीन टाइप के एक्सेस मोड होते हैं जो आपको मैं बता देता हूं। तो यहाँ पर एक्सेस मोड को अगर हम अभी थोड़ा सा बस समझना चाहते हैं नीचे, तो हम आगे की क्लास में अभी हम समझेंगे कि हमें किस तरीके से ये जो एक्सेस मोड को यूज करना है। तो एक्सेस मोड हमारे पास तीन टाइप के होते हैं, पहला होता है प्राइवेट और दूसरा होता है पब्लिक और तीसरा होता है प्रोटेक्टेड, ठीक है। तो ये तीन टाइप के आपके एक्सेस मोड होते हैं, जो भी आपको चाहिए यहाँ पर आपको एक्सेस मोड में लिखना है, ठीक है। अगर आपने प्राइवेट लिखा है तो इस बेस क्लास के जो भी डेटा मेंबर मेंबर फंक्शन है वो कैसे ट्रीट होंगे वो हमें आगे की क्लास में समझना है, ओके। तो ये एक्सेस मोड में इनमें से कोई भी एक वर्ड हम लिखेंगे। अब लास्ट में क्या रहेगा, आपका बेस क्लास का नाम रहेगा। तो जो बेस क्लास आपने ऊपर लिखा है वही बेस क्लास आपको यहां पर लिखना है, ठीक है। तो ये एक आपको मैंने सिंटेक्स बताया है। अब हम जो डिराइव क्लास को डिफाइन करने वाले हैं, तो डिफाइन करने के लिए वही सिंटेक्स है। सबसे पहले ओपन करली ब्रैकेट हम लगाएंगे जो कि हमारे क्लास को क्रिएट करने के लिए यूज होगा, और फिर क्लोजिंग करली ब्रैकेट लगाएंगे तो ये हमारे ड्राइव क्लास का क्लोजिंग सिंटेक्स आ जाएगा। यहाँ पे सेमी कॉलन लगा देंगे तो ये कंप्लीट आपका ड्राइव क्लास यहाँ पर डिफाइन हो जाएगा। और ये जो ओपन और क्लोज करली ब्रैकेट है इसके अंदर हमें क्या लिखना है, इसके अंदर हमें लिखना है बॉडी ऑफ दिस सब क्लास। तो बॉडी ऑफ सब क्लास का मतलब क्या है, इट इज वेरी सिंपल, सिमिलर टू यूर दिस बेस क्लास बॉडी ऑफ सुपर क्लास एंड बेस क्लास। तो यहाँ पर हमने क्या लिखा था, हमने यहाँ पे लिखा था दैट इज द डेटा मेंबर एंड मेंबर फंक्शन। तो वही चीज हमें अपने डिराइव क्लास की डेटा मेंबर और मेंबर फंक्शन लिखना है, ठीक है। तो मेरे को बताइए अभी आप समझ में आया कि नहीं आया, अगर यहाँ तक आपको समझ में आ गया है तो आप हैंड राइज करिए, जिससे कि मैं कॉन्फिडेंस हो जाऊंगा कि हमारे स्टूडेंट को ये चीज समझ में आ रही है, ठीक है। फिर से मैं एक बार यहाँ पर आपको रिपीट कर देता हूँ। तो देखिए हमें बनाना है इनहेरिटेंस, तो इनहेरिटेंस में कभी भी एक से ज्यादा क्लासेस होती है और उनके बीच में एक मैपिंग होती है। तो यहाँ पे ऑफ कोर्स जो मैपिंग मैं आपको बता रहा हूँ वो सिंगल इनहेरिटेंस की ही बता रहा हूँ। सिंगल इनहेरिटेंस में दो क्लासेस की जरूरत पड़ती है, तो पहला होता है बेस क्लास और दूसरा होता है डिराइव क्लास। तो बेस क्लास में हमें किस प्रकार से सिंटैक्स लिखना है, क्लास का नाम और उसके बाद में
कर्ली ब्रैकेट के अंदर में उसके जो भी सिंटैक्स है फॉर द डिफाइनिंग द बेस क्लास, जिसे हम डेटा मेंबर और मेंबर फंक्शन कहते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हमें डिराइव क्लास को डिफाइन करना है, तो इसको भी हम सिमिलरली बेस क्लास ही डिफाइन करेंगे, लेकिन हमें साथ में क्या लिखना है उसका इंटरफेस भी, कि हमें किस तरीके से बेस क्लास को डिराइव क्लास में ट्रीट करना है। तो अभी हम ट्रीटमेंट के लिए एक्सेस मोड तीन टाइप से होते हैं यही समझेंगे, कि पहला प्राइवेट होता है, पब्लिक होता है और प्रोटेक्टेड होता है। तो हम इसको यहाँ पर कोई भी एक मोड को लिखेंगे और हमारा बेस क्लास नेम जो भी होगा उसको उस तरीके से हमें ट्रीट करेंगे। ठीक है, तो ये हमने अभी समझा कि सिंटैक्स कैसे बनाते हैं। अब मैं एक्सेस मोड के बारे में थोड़ा आपको अभी बताना चाहता हूँ। तो देखिए, एक्सेस मोड कैसे काम करता है, थोड़ा सा आप इसको फैमिलर हो जाएंगे। तो चलिए जल्दी से रेडी हो जाइए एक्सेस मोड समझने के लिए। ओके, तो देखिए मैं आपके सामने एक डिस्प्ले कर रहा हूं। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले समझना है कि ये तीन टाइप के एक्सेस स्पेसिफायर होते हैं। तो ये जो थ्री एक्सेस स्पेसिफायर हैं, तो वो कौन कौन से हैं? पहला है आपका पब्लिक, दूसरा है प्राइवेट और तीसरा है प्रोटेक्टेड। तो दिस थ्री आर द इम्पोर्टेंट एक्सेस स्पेसिफायर इन द C++ एंड आल्सो इन द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम। तो देखिए पब्लिक क्या होता है, पब्लिक वो होता है जिसके मेंबर आर एक्सेसिबल फ्रॉम आउटसाइड द क्लास। तो जैसे ही हम ये मोड लिखेंगे तो यहाँ पे जो भी मेंबर्स डिफाइन होंगे उनका एक्सेसिबल हम आउटसाइड द क्लास कर सकते हैं। ठीक है ना, आउटसाइड द क्लास हम कर सकते हैं। एक्सेसिबल मतलब हम उसे डायरेक्टली यूज कर सकते हैं अपने रिक्वायरमेंट के लिए। तो दिस इज नोन एज ए एक्सेस। एक्सेस मतलब उसे हम कॉल कर सकते हैं, हमें वो कभी भी रिस्ट्रिक्ट नहीं करेगा कॉल करने के लिए। तो इसको कहते हैं एक्सेस। तो प्राइवेट होने से क्या होगा, प्राइवेट होने से ये जो मेंबर हैं दैट कैन नॉट बी, है ना, यहाँ पे हमने कैन लिखा था, यहाँ पर कैन नॉट बी इसको प्रोनाउंस करेंगे। तो दिस इज योर प्राइवेट। तो प्राइवेट में हमारे जो भी मेंबर होंगे वो कैन नॉट बी एक्सेस्ड होंगे, कैन नॉट बी व्यूड होंगे। एक्सेस का और एक व्यू है, वर्ड है, दैट इज द व्यू, दैट इज द यूअर कॉलिंग। कॉलिंग करने से वो हमें यूज होते हैं। तो दिस विल बी नॉट पॉसिबल फ्रॉम द आउटसाइड द क्लास। तो इसको ध्यान से समझिए कि ये किस तरीके से प्राइवेट हमारे डेटा मेंबर या मेंबर फंक्शन को हाइड करता है। तो यहाँ पर हाइड वाला जो कंसेप्ट है वो आपको पता होना चाहिए। कैन नॉट बी एक्सेसिबल का मतलब क्या है, दैट इज द यूअर हाइड करना। ठीक है ना, तो जो भी मेंबर है उसे हम हाइड कर देते हैं। तो दिस इज नोन एज ए यूअर कैन नॉट बी एक्सेस्ड आ जाता। अच्छा, आप देखिए प्रोटेक्टेड, प्रोटेक्टेड मेंबर्स क्या है, प्रोटेक्टेड मेंबर्स, अच्छा सबसे पहले मैं प्रोटेक्टेड आपको थोड़ा इन जेनेरिक टर्म में समझा दूं। प्रोटेक्ट का मतलब क्या होता है, जैसे हम कभी 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 हम अपने कार को मतलब स्टैंड में कहीं पर भी, या हम उसको पार्किंग में रखते हैं, तो देखिए वहां पर हमें एक कहीं वर्ड मिलता है कि इट इज ए रिजर्व एरिया, दिस इज ए प्रोटेक्टेड एरिया, है ना। तो ये जो प्रोटेक्टेड वर्ड हम यहाँ यूज कर रहे हैं वो किसके लिए है, दिस इज फॉर द पब्लिक के लिए होता है। तो हम जब प्रोटेक्टेड वर्ड यूज कर रहे हैं तो जब भी हमने वहां पर उस टर्म को समझने की कोशिश करी है तो उसके अंदर में दो चीजें छुपी रहती हैं। पहली चीज है कि प्राइवेट और दूसरी चीज है पब्लिक। तो ये जो एरिया है वो प्रोटेक्टेड है, यानी कि पब्लिक के लिए प्रोटेक्टेड है, लेकिन जो वहां पर ऑथराइज पर्सन है, जो हमारे प्राइवेट पर्सन है, उसके लिए ये एरिया ओपन है। ठीक है, तो प्रोटेक्टेड के अंदर दो टर्म को छिपा है, वन इज द पब्लिक एंड सेकंड इज द
प्राइवेट। ठीक है, तो जब हमें ये प्रोटेक्ट वर्ड यूज करना है तो जो चीजें हमें प्राइवेटली हाइड करनी है वो हम हाइड भी कर सकते हैं, और जो हमें पब्लिकली ओपन करनी है टाइमली हम उसे ओपन भी कर सकते हैं। बट बाय डिफॉल्ट यहाँ के जो मेंबर होंगे वो एक्चुअली हमारे प्रोटेक्टेड मोड प्राइवेट मोड में ही रहेंगे, तो हम भी इसको प्राइवेट जैसा ही ट्रीट करेंगे, यानी कि मेंबर्स कैन नॉट बी एक्सेस्ड। ठीक है, कैन नॉट बी एक्सेस फ्रॉम द आउटसाइड दी क्लास। तो ये ट्रीट तो वो बाय डिफॉल्ट ऐसे ही होगा, लेकिन अगर आपको इसे आगे चल के पब्लिकली करना है तो वो भी हम कर लेते हैं। ठीक है, हाउएवर दे कैन नॉट बी एक्सेस इन द इनहेरिटेड दे कैन बी एक्सेस इन द इनहेरिटेड क्लास। देखिए प्राइवेट और प्रोटेक्टेड में डिफरेंस क्या है, ये आपसे बार बार पूछा जाएगा कि वॉट आर द डिफरेंस बिटवीन द प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर एंड द प्रोटेक्टेड। ठीक है, क्योंकि दोनों ही बहुत ही एक दूसरे के थोड़े से क्लोज होते हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए कि वॉट आर द डिफरेंस बिटवीन your private versus private versus your protected। ठीक है, तो ये चीज अगर आप समझ पा रहे हैं तो ही हम आगे आपको इसकी एक्चुअली इम्प्लीमेंटेशन भी समझ में आएगा। तो डिफरेंस बिटवीन प्राइवेट वर्सेस प्रोटेक्टेड, तो ध्यान रखिए प्राइवेट क्या है, ये 100% आपका जो कंसेप्ट है वो क्लास के अंदर की बात हो रही है, लेकिन प्रोटेक्टेड क्या है कि वो उस क्लास के लिए प्राइवेट है प्लस आगे भी वो मेंबर्स हम इनहेरिट कर सकते हैं। तो ये इनहेरिटेंस के लिए यूज होना है तो प्राइवेट को हमें प्रोटेक्टेड ही यूज करना चाहिए। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये तीन इंपॉर्टेंट चीजें अब आप क्लियर हो गई हैं, नहीं हुई हैं तो एक बार और मैं चलिए आपको बता देता हूं कि ये तीन एक्सेस स्पेसिफायर होते हैं C++ में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में। पहला होता है पब्लिक, दूसरा होता है प्राइवेट और तीसरा होता है प्रोटेक्टेड। तो पब्लिकली क्या है, मतलब पब्लिक में मेंबर्स जो होंगे, जो भी डेटा मेंबर और मेंबर फंक्शन, वो एक्सेसिबल होते हैं आउटसाइड द क्लास, यानी क्लास से हम उनको यूज कर सकते हैं। इन जनरल हम उसे सी इन सी आउट जैसा हमको एक्सेस करना है हम कर सकते हैं, लेकिन अगर हम उसे प्राइवेट मोड में यूज कर रहे हैं, उसका एक्सेस स्पेसिफायर प्राइवेट है, तो वो मेंबर आपके आउटसाइड दी क्लास, यानी कि उसे हम मेन क्लास से या हम दूसरे मेंबर दूसरे क्लास से हम उसे कॉल नहीं कर सकते हैं। लेकिन प्रोटेक्टेड और प्राइवेट में सबसे सिंपल डिफरेंस ये है कि प्रोटेक्टेड मेंबर्स को हम उसके ही क्लास में तो प्राइवेट कर सकते हैं, उसको आउटसाइड दी क्लास हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं, लेकिन खास बात क्या है कि दिस इज ए हाउ एवर। यहाँ पे देखिए मैं एक वर्ड यूज कर रहा हूँ हाउ एवर, तो हाउ एवर द प्रोटेक्टेड मेंबर्स कैन बी एक्सेस इन द इनहेरिटेड, है ना, कैन बी एक्सेस इन द इनहेरिटेड क्लास, तो ये हम इसको पढ़ा सकते हैं। तो ये चीज आपको मैं क्लियर समझा दिया कि इन दोनों के बीच में देखिए डिफरेंस क्या है, ये बार बार पूछा जाएगा। ठीक है, तो याद रखिए इसको किस तरीके से हमें एक्सप्लेन करना है, हमारे जो भी वाइवा होता है या फिर आपका प्लेसमेंट होता है तो उसमें इसको पूछा जाता है। ओके, तो अब मैं आपको एक टेबल के द्वारा इस चीज को बहुत अच्छे से समझाने वाला हूँ कि एक्सेस स्पेसिफायर काम कैसे करता है। देखिए आपके सामने में यहाँ पे एक टेबल है और यहाँ पे आपको दो एग्जाम्पल भी मैंने दिए हैं, एग्जाम्पल 1 एंड एग्जाम्पल 2 है। तो इस एग्जाम्पल से तो आपको बहुत जल्दी क्लियर हो जाएगा कि हम किस तरीके से अपने एक्सेस स्पेसिफायर को यूज करते हैं। तो दिस इज माय एग्जाम्पल 1। ठीक है, तो ये आपका एग्जाम्पल 1 है और यहाँ पे मैं दूसरा एग्जाम्पल आपको दूंगा, तो दिस इज माय एग्जाम्पल 2। ठीक है, दिस इज द एग्जाम्पल 2। तो देखिए आप ध्यान से मेरे पास में इस टेबल से क्या समझ में आ रहा है, इस टेबल से बहुत ही क्लियर कंसेप्ट समझ में आते हैं कि हम कैसे स्पेसिफायर्स काम करते हैं। तो वेरी फर्स्ट यू हैव ए बेस क्लास, हमारे पास बेस क्लास है। अब बेस क्लास में जो भी हम डेटा मेंबर और मेंबर फंक्शन बनाते हैं
उसे हम तीन सेक्शन में क्लासिफाइड कर सकते हैं। तो हमने डेटा मेंबर बनाया है, हमने मेंबर फंक्शन बनाया है, तो ये दोनों चीजें हम अपने क्लास में किस सेक्शन में रखेंगे। अगर मुझे ये जो डेटा मेंबर या मेंबर फंक्शन है आउटसाइड दी क्लास नहीं करना है तो मैं उसे प्राइवेट मोड में रखूंगा। अगर मुझे अपने बेस क्लास से इसे आउटसाइड दी क्लास यूज करवाना है तो मैं इसे पब्लिक रखूंगा। ठीक है, तो अब ध्यान से देखिए कि यहाँ पे प्रोटेक्टेड क्या काम कर रहा है। तो प्रोटेक्टेड बेसिकली क्या है, तो यहाँ पे देखिए कि ये आपका जो है इट इज नोन एज ए यूअर। ठीक है, तो यहाँ पे हमें ये चीज समझनी है कि ये जो अगर बेस क्लास है तो बेस क्लास में आपको तीन सेक्शन होते हैं। तो सबसे पहले होता है प्राइवेट सेक्शन, फिर प्रोटेक्टेड सेक्शन या फिर पब्लिक सेक्शन। तो अब हम देखना चाहते हैं कि अगर हमारा डिराइव क्लास है ना, हमारा डिराइव क्लास अगर ये पब्लिक मोड में है तो हमें कैसे काम करना है। अगर मेरा डिराइव क्लास प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर में है तो कैसे काम करना है, या फिर डिराइव क्लास प्रोटेक्टेड मोड में है तो उसे हम कैसे काम करेंगे, इसे हमें समझना है। ठीक है, तो अब देखिए अगर बेस क्लास से मुझे डिराइव क्लास बनाना है तो ड्राइव क्लास बनाना है यानी कि यहाँ पे आपको उसके जो मेंबर हैं कैसे काम करेंगे, अब देखिए ध्यान से समझिए। तो आपका बेस क्लास से क्या हो रहा है, डिराइव क्लास की तरफ हम जा रहे हैं। तो जैसे ही हम बेस क्लास से डिराइव क्लास पे जाएंगे तो हमें ये समझना है कि बेस क्लास के डेटा मेंबर और मेंबर फंक्शन डिराइव क्लास में कैसे काम करेंगे। तो देखिए, तो अगर मैंने बेस क्लास में कोई भी डेटा मेंबर या मेंबर फंक्शन को ऐसे प्राइवेट सेक्शन में रखा है, ठीक है, अगर प्राइवेट सेक्शन में रखा है तो ये डिराइव क्लास में नॉट इनहेरिटेड होंगे यानी कि मैं इसे यूज नहीं कर सकता। अगर ये पब्लिक सेक्शन में रखे हैं तो मैं यहाँ पे इसे यूज कर सकता हूँ क्योंकि ये यहाँ पर मुझे पब्लिक के नाम से ही जाना जाएगा। ठीक है, अब तीसरा होता है प्रोटेक्टेड। तो ये प्रोटेक्टेड को मैं अगर रखता हूँ प्राइवेट में अपने बेस क्लास में तो यहाँ पे मुझे वो चीज एज ए प्रोटेक्टेड मिल सकती है। ठीक है, तो ये हो गया डिराइव क्लास एज ए पब्लिक मोड। अब हम देखते हैं कि डिराइव क्लास एज ए प्राइवेट मोड अगर हम बनाते हैं तो उस केस में हमारे पास किस तरीके से डेटा मेंबर मेंबर फंक्शन ट्रीट होते हैं। तो देखिए यहाँ पर बहुत सिंपल ढंग से बताया है कि अगर बेस क्लास में कोई भी चीज प्राइवेट है तो यहाँ पे ध्यान से देखिए कि वो फिर एज इट इज नॉट इनहेरिटेड कंसेप्ट में ही रहेगा। ठीक है, अब यहाँ अगर पब्लिक रखा है तो ये यहाँ पे प्राइवेट हो जाएगा। देखिए ये बहुत अच्छी बात है कि अगर कोई भी डेटा मेंबर मेंबर फंक्शन को हमें उसे रिस्ट्रिक्ट करना है डिराइव क्लास में तो हम यहाँ तो पब्लिक रखेंगे लेकिन इसके बीच का इंटरफेस क्या होगा, वो होगा आपका प्राइवेट मोड। तो जैसे प्राइवेट मोड होगा तो यहाँ पे हम उसे हाइड कर सकते हैं। इसी तरीके से प्रोटेक्टेड, तो देखिए प्रोटेक्टेड मोड यहाँ पर तो आपको कॉल करने को दे रहा है लेकिन आगे ये यहाँ पर इसको क्लोज कर देगा, इसके आगे बढ़ने नहीं देगा। तो डिराइव क्लास में अगर प्राइवेट मोड यूज कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको बेस क्लास प्रोटेक्टेड को यहाँ से प्राइवेट कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट इज द यूअर डिराइव क्लास एज ए प्रोटेक्टेड मोड। तो अगर हम प्रोटेक्टेड मोड जैसा यूज करते हैं तो कैसा हमारा ट्रीटमेंट होगा डेटा मेंबर और मेंबर फंक्शन का। तो देखिए सबसे पहले आपको क्या यूज करना है, तो यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं नॉट इनहेरिटेड। ठीक है, तो इट इज ए नॉट इनहेरिटेड यानी कि ये वाला जो प्राइवेट है वो यहाँ पर यूज नहीं होगा। प्रोटेक्टेड जो है वो प्रोटेक्टेड जैसा ही कंसेप्ट होगा यानी कि इस लेवल में आपके डिराइव क्लास में जो भी डेटा मेंबर मेंबर फंक्शन है वो प्रोटेक्टेड है और आगे के डिराइव क्लास में वो यूज हो सकता है। अगर हमें यहाँ पर इसे क्लोज नहीं करना है, आगे ले जाना है तो हम यूज कर सकते हैं। लेकिन पब्लिक को अगर मैं प्रोटेक्टेड कर रहा हूँ तो यहाँ पर जो भी डेटा मेंबर है वो अब पब्लिक नहीं रह गया,
वो प्रोटेक्टेड हो गया, यानी कि यहाँ पे करीब करीब वो प्राइवेट जैसा ही काम करेगा, लेकिन अपॉर्चुनिटी ये है कि आपको वो आगे की क्लास में एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो चलिए अब मैं आपको इसको एग्जाम्पल तौर में बताता हूँ। तो देखिए ध्यान से कि यहाँ पे मैंने आपको यूज किया है एग्जाम्पल वन। तो इस एग्जाम्पल वन में और ये नीचे यूज किया है हमने एग्जाम्पल टू। तीन दोनों एग्जाम्पल से आपको क्लियर हो सकता है कि लेट इन द बेस क्लास में हमने तीन डेटा मेंबर को यूज किया है। पहला है ए जो कि प्राइवेट है, फिर बी है वो प्रोटेक्टेड है, और सी जो है वो पब्लिक है। अब देखिए ध्यान से कि यहाँ पे अगर आपने इसे इन तीनों मोड में तो यूज कर लिया आपने, ठीक है ना, तो इट इज ए यूर बेस क्लास। तो यहाँ पे ये बेस क्लास है, अब बेस क्लास में तीन मेंबर्स हो गए, तो एक प्राइवेट है, एक प्रोटेक्टेड है, एक पब्लिक है। तो ए है प्राइवेट और बी है प्रोटेक्टेड और सी क्या है पब्लिक है। तो अब देखिए ध्यान से कि यहाँ पे अगर मैंने एक्सेस स्पेसिफायर प्राइवेट रखा है, तो प्राइवेट होने के कारण क्या होगा कि जो डिराइव क्लास में बेस क्लास का ट्रीटमेंट कैसे होगा। तो देखिए ए जो है वो डिराइव क्लास में एक्सेसिबल नहीं होगा। तो ये एक बात आपको मैं ऊपर बताया था इसमें यहाँ पे कि नॉट इनहेरिटेड है, तो दिस इज ए इज नॉट इनहेरिटेड, तो ये आपका बेसिकली रिस्ट्रिक्टेड हो गया। अब देखिए प्रोटेक्टेड बी, तो प्रोटेक्टेड बी जो है वो किस तरीके से हो रहा है, यहाँ पे आपका प्राइवेट है ना, हमने प्राइवेट बना रहे हैं, तो ये वाला केस आपको लेके चलना है, बीच वाला केस लेके चलेंगे आप, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले जो प्राइवेट था वो नॉट इनहेरिटेड हो गया, लेकिन जो आपका प्रोटेक्टेड है वो यहाँ पे प्राइवेट हो गया, ठीक है। तो बिल्कुल ये टेबल को तो याद रखना है तभी हमारा काम बनेगा। तो ये प्राइवेट आपका, प्रोटेक्टेड आपका क्या हो गया प्राइवेट हो गया। लास्टली जो भी मेंबर पब्लिक है वो देखिए यहाँ पर प्राइवेट हो रहा है, तो यहाँ पर भी आपका जो सी पब्लिक था आपके बेस क्लास में, तो डिराइव क्लास में उसका ट्रीटमेंट कैसा होगा वो प्राइवेट जैसे ही होगा। तो ये एग्जाम्पल वन से ही बहुत अच्छा क्लियर हो रहा है। अब देखते हैं एग्जाम्पल टू में। तो देखिए ध्यान से एग्जाम्पल टू में हमें क्या करना है, एग्जाम्पल टू की हम बात करते हैं। तो एग्जाम्पल टू में मैंने आपको बेस क्लास तो वही लिया है, ठीक है। तो इसमें देखिए बेस क्लास है, बेस क्लास में ए बी सी है, तो ए प्राइवेट ही है और बी प्रोटेक्टेड है और सी आपका पब्लिक है, लेकिन यहाँ पे जो एक्सेस स्पेसिफायर लगा है तो वो पब्लिक लगा है, ऊपर में प्राइवेट था इसमें पब्लिक है। तो अब ये पब्लिक वाला कौन सा लेंगे आप, पहला वाला लेंगे, है ना, तो इट इज ए फर्स्ट। तो ये आपका फर्स्ट एग्जाम्पल है, इट इज ए फर्स्ट एग्जाम्पल, एंड इट इज ए यूअर सेकेंड एग्जाम्पल, और ये क्या है आपका थर्ड एग्जाम्पल। तो हमने यहाँ पर एग्जाम्पल वन में जो लिया था केस, तो वो था हमारा सेकेंड वाला। अब हम जो देख रहे हैं यहाँ पे एग्जाम्पल टू में, तो यहाँ पर आपको मॉनिटर करना है डिराइव क्लास वन जैसा। तो देखिए ध्यान से, अगर मैंने कोई प्राइवेट ए लिया है और पब्लिक स्पेसिफाई लिया है, तो ये ए इज नॉट एक्सेसिबल ही रहेगा, तो इसमें कोई चेंजेस नहीं है। देखिए यहाँ पर नॉट इनहेरिटेड आ रहा है, तो ये आपका नॉट इनहेरिटेड जैसे कंसेप्ट हो गया, लेकिन अगर प्रोटेक्टेड है तो ये प्रोटेक्टेड ही रहेगा, तो बी हमारा प्रोटेक्टेड था तो हमारे बी डिराइव क्लास में भी वो प्रोटेक्टेड ही रहेगा। अब ये जो पब्लिक हमने बनाया है, तो ये आपका पब्लिक ही कैसा रहेगा, पब्लिक ही रहेगा। तो मोटा मोटा बात यह है कि ज्यादा चेंजेस आपके पब्लिक वाले में नहीं होते हैं, प्राइवेट वाले में बहुत कुछ चेंज होता है और प्रोटेक्टेड में बहुत सारा चेंज होता है। तो मेरे ख्याल से हमने इस टेबल से बहुत अच्छे से समझा है कि इस एग्जाम्पल में किस तरीके से ये टेबल इंटरप्रेट हो रहा है। तो आई थिंक आपने 100% आज समझा होगा, और अगर नहीं समझा है तो और मेरे को आप बताएं कि कौन सी चीज नहीं समझ में आ रही है, तो उसे हम लोग और भी वीडियो लेक्चर में और भी अलग से पर्सन टू पर्सन हम आपसे बात कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं ये लेक्चर यहाँ पर क्लोज कर रहा हूँ। थैंक यू टू ऑल।